अम्मा खुश मेरे लाले। अरे बेटा। हाँ माँ। तुम शुरू शुरू अपनी छोपड़ी छोड़कर कहाँ चले गए थे लाल? अरे माँ। हाँ बेटा। क्या कहूँ माँ, जब मुझे बहुत जोर से भूख लगा, भूख के मारे मैं सोचा अगर जंगल को जाऊंगा तो कहीं पे फल फूल मिलेंगे तो मैं उसे तोड़ कर खा लूंगा। माँ जैसे ही जंगल पहुंचा, नहीं कहीं फल मिला और नहीं फूल मिला। माँ अगर तुम कुछ मांग चांग कर लाई हो खाने के लिए तो मुझे दो खाऊंगा। माँ मुझे बहुत जोरों से भूख लगा है। माँ बेटा मैं नगर बस्ती से भी इच्छा मांग की नहीं लाई हूँ पुत्री। क्या? हाँ बेटा। भिक्षा लेकर नहीं आई हो? नहीं बेटा। अरे माँ जब तुम भिक्षा लेकर नहीं आई हो तो मैं फिर क्या खाऊंगा? माँ मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगा है, मैं भूख के मर जाऊंगा। माँ छोपड़ी में बैठ कर इंतजार करना, मैं जा रहा हूँ नगर वस्ती भीख दोग मांगने के लिए पुत्र। ठीक है माँ जा माँ। लेकिन बेटा। लेकिन क्या माँ? एक बात अब रखना पुत्र। क्या माँ? जब तक मैं नगर वस्ती से भीख चा मांग के नहीं आऊंगी तो झोपड़ी छोड़ के कहीं मत जाना पुत्र। ठीक है माँ, जब तक तुम भिक्षा लेकर चली नहीं आएगी मैं इस टूटी हुई झोपड़ी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। माँ ठीक है पुत्र, मैं जा रही हूँ। ठीक है माँ जा, और मैं तुम्हारा राह देखूंगा। माँ और मेरी माँ गई है गांव नगर बस्ती भिक्षा लाने के लिए और मुझे कहा कर गया है कि बेटा जब तक मैं भिक्षा लेकर चले नहीं आऊं तब तक इस टूटी हुई झोपड़ी छोड़कर कहीं मत जाना। मैं अपनी माँ को बात कभी नहीं काटा हूँ और कभी नहीं काटूंगा। जब तक मेरी माँ भिक्षा लेकर चले नहीं आएंगे तब तक मैं इस टूटी हुई झोपड़ी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं इस टूटी हुई झोपड़ी में बैठ के अपनी माँ को राह देखता हूँ और देखता हूँ कि मेरी माँ मेरे लिए भोजन लेकर कब आते हैं।